वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नू सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। नाल ही जेकर तुहानू यह वीडियो चंगी लगी तो इस नू लाइक ते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, वैसे तो आप अपने घर नू सजाउण लई घर विच हरियाली लई वक्रे वक्रे पौधे घर विच लाउने आ, पर इन्हां विचों कुछ पौधे एवें दे वी ने जिन्हां नूं घर विच लाउण नाल घर विच गरीबी दरिद्रता आउंदी है। जे तुसीं वी घर विच एवें दा कोई भी पौधा लाया है तां इस नूं घरों दूर कर दिओ। इह पौधे घर विच नकारात्मक ऊर्जा फैलाउंदे ने जिस नाल घर दा माहौल भी ठीक नहीं रहिंदा। तो आओ फिर जानिए कि वह किहड़े पौधे ने जो घर विच नहीं लाने चाहिए। पहला है जी खट्टी मिठी इमली वाला पौधा। वैसे तो आपां नूं यह खट्टी मिठी इमली बहुत वधिया लगती है, पर यह नकारात्मकता का प्रतीक है। इस नूं घर विच नहीं लाना चाहिए। कहा जाता है कि गरीबी के नाल नाल यह पौधा बुरी शक्तियां नूं भी आकर्षित करता है। इस उत्ते भूता प्रेतां दा वासा भी हुंदा है। अते एक गल चंगी तरह जानदे हो कि बुरियां शक्तियां जदों घर वल मूह कर लैण फिर इन्हां तों पिछा छडाउणा बड़ा औखा हो जांदा है। जिस घर विच इह वास करदियां ने घर नूं उजाड़ दिंदियां ने। दूसरा बेर दा पौधा। इस नूं भी नकारात्मकता प्रतीक मन्निया जांदा है। इस ते लगे कंडे ही दसते ने कि ये जिंदगी विच किन्नियां मुश्किलां लियांदे होणगे। धन दा सब तो वड्डा दुश्मन है बेरी, इसलिए बेरी नूं कदे भी घर दे अंदर ना लाओ। तीसरा है जी नागफणी दा पौधा। इस पौधे नूं जो भी अपने घर विच ला लैंदा है उस घर विच झगड़े अशांति बीमारियां वास कर जांदियां ने। यह पौधा घर की तरक्की का भी दुश्मन मनिया जाता है। अक्सर तुसी देखा होगा कि रेगिस्तान में पौधा वेखन नूं जरूर मिलता है ते उत्थे दूर दूर तक पानी देखन नूं नहीं मिलता ते ना ही कोई इंसान। इसलिए इस पौधे नूं अशुभ मनिया गया है। विज्ञानिक तौर पर भी जे इस दे कंडे किसी नूं चुभ भी जान तां इह इनफेक्शन कर देता है। ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।